गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आप में से कई लोग कहीं घूमने जाने का प्लान जरूर बना रहे होंगे और आप ऐसी जगह ढूंढ रहे होंगे जहां गर्मी कम पड़े और घूमने का आनंद ले सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा भारत में गर्मियों में घूमने लायक स्थलों के बारे में। नंबर एक, शिलोंग। इंडिया में स्थित शिलोंग मेघालय राज्य की राजधानी है जो कि खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ की झीलें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। यहाँ के पहाड़ पेड़ों से हरे भरे हैं और यह भारत के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। गर्मियों में इस जगह का वातावरण बेहद ठंडा रहता है और इसी वजह से गर्मियों के सीजन में इस जगह पर घूमने जा सकते हैं। नंबर दो, तवांग। भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में तवांग स्थित है जो भूटान की सीमा से लगा हुआ है। तवांग धार्मिक महत्व की भूमि है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पवित्र स्थलों की वजह से पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है और यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आना पसंद करते हैं। नंबर तीन, मुन्नार। भारत के केरला में स्थित मुन्नार खूबसूरत स्थलों में से एक है। इसे केरल का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ की चाय की खेती, झरने, पहाड़ इसे काफी सुंदर बनाते हैं। यहाँ पर आपको कई घूमने लायक जगहें मिल जाएंगी। प्रकृति प्रेमी को ये जगह बेहद पसंद आएगी। नंबर चार, नैनीताल। भारत के राज्य उत्तराखंड में स्थित नैनीताल को जिलों का शहर कहा जाता है। नैनीताल ऐसी जगह है जो पहाड़ों पर स्थित है और चारों ओर से जिलों से घिरी हुई है। नैनीताल में बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं जिसे देखने के बाद एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ का मौसम ऐसा है कि यहाँ पर गर्मियों में भी ठंडी का एहसास होता है। नंबर पाँच, कुर्ग। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित कुर्ग कई खूबसूरत स्थलों में से एक है। यहाँ पर काफी मात्रा में मसालों और कॉफी की खेती होती है। यहाँ पर चाय, कॉफी, मसालों के बड़े बड़े बगान हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देखने का आनंद ही अलग है। यहाँ पर बहुत सी और भी जगह हैं जिसे पर्यटक आके देख सकते हैं। तो ये थी वो पांच जगह हैं जहाँ पर गर्मियों के मौसम में घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, या फिर आप लोग जानना चाहते हैं कुर्ग के पांच खूबसूरत स्थलों के बारे में तो लेफ्ट में दी गई वीडियो पर क्लिक करें।